सत्संग क्यों जरूरी है? सत संग, सत माने सच और संग माने साथ। सच का साथ करें, कहां करें, किस जगह करें? आपको लगता है कि कोई 100% सच बोलता होगा? इस घोर कलयुग में 100% तो दूर, अगर 50% भी बोले तो भी अच्छा इंसान, और 80-90 तो बहुत ही अच्छा, और 100 बोले तो फिर कहने क्या। बात ये आती है फिर किस पे यकीन किया जाए। हर कोई कहता है कि मैं सच बोलता हूं, हर कोई कहता है कि मैं सही हूं, हर कोई कहता है कि मैं ही ठीक हूं, बाकी सारी दुनिया गलत। फिर किस सच पे यकीन करें, किस सच का संग करें? तो एक ऐसा सच है जो कभी बदलता नहीं, एक ऐसा सच है जो आदिकाल से चला है, चल रहा है, चलता रहेगा, वो कभी झूठा हुआ ही नहीं। ऐसा सच जो उस सच से जुड़ जाया करते हैं, वो तमाम जिंदगी खुशियां हासिल करते हैं और मरणोपरांत आवागमन से आजाद होके मोक्ष मुक्ति हासिल करते हैं। तो ऐसा सच एक ही है और वो है ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम। वो सच है पर उसका संग कैसे करें? आप उसका संग करें ना करें, वो आपका संग हमेशा करता है। आप उसे माने ना माने, पर वो हमेशा आपके अंदर रहता है। कई लोग पूछते हैं कि आदमी जब गुनाह करता है, बुरे कर्म करता है, क्या मालिक तब भी अंदर होता है? अगर होता है तो रोकता क्यों नहीं? कौन कहता है कि मालिक रोकता नहीं? आदमी जब बुरे कर्म करने शुरू करता है, अंदर से एक आवाज आती है, मत कर ये बुरा कर्म, और दूसरी आवाज आती, सारी दुनिया कर रही है, तेरे करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। वो मन की आवाज, पहली आत्मा परमात्मा की आवाज, मत कर बुरे कर्म। पर क्या आप सुनते हैं? फिर कोई कहे जी भगवान तो बहुत पावरफुल है, अगर हम नहीं माने तो वो मनवा लेगा। भगवान ने खुद ये वचन दिए हैं कि वो प्रत्यक्ष इस त्रिलोकी में किसी को नहीं रोकेगा। हां, वो अपने संत भेजेगा, अपने पीर पैगंबर महापुरुष भेजेगा, अपने अवतार भेजेगा। जो कोई उनकी बात को सुन के अमल करेगा, उन्हें चमत्कार नजर आएंगे, खुशियां मिलेंगी, लज्जतें आएंगी। तो इंसान अपने संत गुरु पीर फकीर के वचनों को माने, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको तोड़ मरोड़ के पेश ना करें। लोगों ने काम अपना निकालना होता है और ठप्पा संतों से लगवाना चाहते हैं। कई बार ऐसा देखा, आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक बार एक जमींदार सज्जन हमारे पास आए, कहने लगे गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, आपने तो बहुत जमींदारा किया है, क्या बता सकते हैं बढ़िया ट्रैक्टर कौन सा रहेगा? मैंने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, कितनी जमीन है? कहने लगा जी 2-2.5 एकड़। तो बेटा आयशर ले ले,
बढ़िया है, उसमें डीजल की खपत कम होगी, खर्चा कम होगा, तेरी जमीन के लिए काफी है। कहेगा वो तो ठीक है गुरुजी, अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं। हमने कहा भाई इतना बड़ा ट्रैक्टर तो वो 2 एकड़ में तो खड़ा ही होगा। कहने का मतलब खर्चा ही खा जाएगा इतना तो वो। अच्छा ठीक है, कहता जी बिल्कुल सही बात आपने कही, पर मेरा दिल करता मैं तो हिंदुस्तान ले लूं, कैसा रहेगा? हमने कहा तेरी मर्जी। तो हो गया ना काम, बात अपनी मनवानी है, ठप्पा इधर से लगवाना है। ये सही नहीं होता। पीर फकीर जो बात कह दे वो मालिक की रजा में, और कोई उसे झट से मान ले दृढ़ यकीन के साथ, तो हाथों हाथ उसके रहमो करम के नजारे मिलते हैं, चमत्कार शुरू होते हैं, खुशियां मिलती हैं। बाकी आदमी की जैसी भावना होती है, जैसी भी कोई श्रद्धा रखता है, फल तो उसे वैसा ही मिलता है। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। राम झरोके, झरोके आंखों को भी कहा जाता है, और झरोके महलों में गुप्त छोटे छोटे छिद्र रखे होते हैं जिनसे रानियां देखती हैं, वो नहीं दिखती लेकिन सारा काज दिखता है उनको, कार्रवाई क्या कर रहे हैं महाराज। तो दोनों ही बातें सही हैं कि वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम सबको देख रहे हैं, हर किसी को हर पल हर क्षण देखते हैं। और जैसी जिसकी भावना, जैसी श्रद्धा, जैसा यकीन, वैसा ही फल दे, उसे वैसा ही फल मिला करता है। आदमी अगर अहंकारी है, खुद गर्ज है, तो उसका अहंकार एक न एक दिन टूटता जरूर है। खुद गर्ज इंसानों को इंसान कम शैतान ज्यादा कहा जाता है। आज के दौर में खुद गर्जी का ही बोलबाला है, जिधर निगाह मारो खुद गर्ज लोग, स्वार्थी लोग। आपको नमस्कार भी कर दी तो समझ लो उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज होगी। आपको प्यार के दो मीठे बोल बोल दिए, सिवाय प्रेमीजन के, सिवाय मालिक के प्यारों के, और किसी ने अगर ऐसा किया है तो यकीन मानो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। या तो आपकी राज पहुंच है, लोग आपको अनजाने में आके नमस्कार कर देते, जानते भी नहीं फिर भी करते हैं, या आप बड़े ऑफिसर हैं, मौके के ऑफिसर, लोग आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपसे कोई काम लेना होगा, या आप कोई बड़ा ओहदा रखते हैं समाज में, या जमीन जायदाद आपके पास बहुत पैसा है, या बहन बेटी बहू कोई आपकी सुंदर है। बुरा ना मानना, सच हमें कहना पड़ता है, और फकीर सच नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। इन्हीं कारणों से लोग निकटता बढ़ाते हैं, पर सभी एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी होते हैं जो एक निस्वार्थ प्यार पाने के लिए आपसे हाथ मिलाते हैं, आपसे दोस्ती निभाते हैं। आप सोचे दोस्ती बढ़िया कौन सी होती है? दोस्त वो कभी अच्छा नहीं होता जो हां में हां मिलाता चला जाए। दोस्त अच्छा वो होता है जो आपकी कमियां आपके मुंह पे सुनाता जाए। वो दोस्ती क्या जिसको ये पता चल गया कि यार मेरा दोस्त बुरे कर्म करता है, गलत कर्म करता है, और वो दोस्त कहे मैं सही कर रहा हूं ना। वो दोस्त ही क्या जो ये कहे सही कर रहा है। दोस्त क्या कहेगा? तू 100% गलत कर रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, मत कर गलत कर्म। तो दोस्त
इस संसार में एक ऐसा भी है जिसकी दोस्ती कभी टूटती नहीं और जो हर बात पे टोकता है, जो गलत आप करते हो वो है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम। बच्चे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, वो बेस्ट फ्रेंड है, इससे भी कोई बड़ा शब्द है तो वो बड़ा फ्रेंड है। वो आपको कभी ठगा नहीं देगा, उसने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ेगा नहीं, उसने साथ देना शुरू कर दिया तो दोनों जहान में देगा। अपने आप को आपने उसका बना लिया तो वो ऐसा अपना बनाएगा कि दुनिया में और दोनों जहां में जय जयकार करवा देगा। पर उसे अपना बनाने के लिए बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है, खुद गर्जी का त्याग, स्वार्थीपन का त्याग, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग, नशों का त्याग, चुगली, निंदा का त्याग। अब आदमी सोचे इतने त्याग कैसे करूं, तो एक ही त्याग कर दो कि यहां भगवान देख रहा है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, बस एक ही त्याग काफी है, बाकी त्याग चाहे ना करो। कई बच्चे हंस रहे हैं, है भी बात हंसने की, क्योंकि अगर आप ये सोच लें कि यहां भगवान है वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, तो बताओ ऐसी जगह कौन सी है जहां भगवान नहीं है। वो तो शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। बताओ फिर बुरा कर्म करोगे कैसे, एक ही बात काफी है सब बुराइयां छुड़ाने के लिए। तो सत्संग में जिस तरह स्कूल कॉलेज में जीवों को समझाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, सत्संग में वैसे ही समझाया जाता है, बेटा मत कर बुरे कर्म, अब तो दुलतियां झाड़ रहा है, छलांगे लगा रहा है, जब लेने का देना पड़ा ना तब रोएगा चिल्लाएगा ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब नहीं कोई मानता मन के अहंकार में जब मन हावी हुआ होता है, और तब तो गुस्सा अहंकार ये वो फला, और जब उसकी बारी आती है फिर कहता है मैंने ऐसा क्या किया था, भूल जाता है अपने अवगुणों को, गिनवाता है अपने गुणों को, अपने भले कर्मों को। अरे भाई बुरा कर्म मत करो, बुरा कर्म इंसान को डुबो देता है, बुरा कर्म इंसान को शैतान बना देता है, और अच्छा कर्म शैतान को इंसान और इंसान से भक्त बना देता है।